Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today I am going to discuss urinary tract infection. First of all, what is a urinary tract? So, urinary tract में हमारे पास आती हैं kidneys, ureters, bladder and urethra. अब kidneys से लेकर urethra तक इस रूट में अगर किसी भी पार्ट का इंफेक्शन होता है दैट विल बी इंक्लूडेड इन यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन क्या होता है. तो इट इज बेसिकली इंफ्लेमेटोरी रिस्पॉन्स ऑफ द यूरोथीलियम टू बैक्टीरियल इन्वेजन. बैक्टीरियल इन्वेजन का वर्ड क्यों यूज किया, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं, क्योंकि मोस्टली जो यूटीआई कॉज करते हैं दैट आर बैक्टीरियाज. बाकी पैरासाइट्स, फंजाई, ये स्पीशीज भी कॉज करती हैं यूटीआई, लेकिन मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया कॉज करते हैं. अब हमारे पास यूटीआई की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एंड रिकरेंट यूटीआई. जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है किसी भी हेल्दी पेशेंट में विद नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर इंफ्लेमेशन डिवेलप होती है तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज अनकॉम्प्लिकेटेड. लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है या फिर उसमें कोई फंक्शनल या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है और उसमें यूटीआई डेवलप होता है दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई. ठीक है, और रिकरेंट कब कहेंगे, रिकरेंट के आगे फिर दो टाइप्स हैं, री इन्फेक्शन एंड परसिस्टेंट. री इन्फेक्शन कब कहेंगे, अगर कभी भी कोई किसी यूरिनरी ट्रैक्ट का या यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी पार्ट का इन्फेक्शन हुआ है from different bacteria outside the urinary tract. मतलब urinary tract खुद तो एक जो है protected tract है ना, या अगर किसी भी वजह से यहाँ पे invasion हो गई है microorganisms की from outside, तो that will be considered reinfection. लेकिन अगर within the urinary tract infection है, source of infection है, तो उसको persistent कहेंगे. Persistent क्यों? क्योंकि अगर हम उसको treat भी कर देंगे तो focus of infection तो within the tract है ना, तो क्या होगा कि टाइम वेस्ट के लिए वो ट्रीट तो हो जाएगा लेकिन फिर वहां पे बैक्टीरिया उसी जगह पे प्रेजेंट है तो वो बार बार इन्फेक्शन करते रहेंगे, तो दैट विल बी परसिस्टेंट इन्फेक्शन. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यूटीआई इंफ्लेमेटोरी रेस्पॉन्स है यूरोथीलियम का, ये तीन टाइप्स का होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड एंड रिकरेंट. अनकॉम्प्लिकेटेड प्रीवियसली हेल्दी पेशेंट्स में होता है, कॉम्प्लिकेटेड उनमें होता है जिनमें फंक्शनल या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो, और रिकरेंट किन में होता है, जिनमें या तो डिफरेंट बैक्टीरिया कर रहे हो फ्रॉम आउटसाइड द यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर फोकस हो विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, जो कभी भी हम खत्म ना कर सकें किसी भी वजह से, कि हो सकता है कि हमें वो फोकस खत्म करने के लिए कोई सर्जरी करनी पड़े या वो पार्ट रिमूव करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या होगा कि पेशेंट को परसिस्टेंट यूटीआई रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूट ऑफ इन्फेक्शन. तो रूट ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास आते हैं, एक ब्लड के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करता है या किडनीज के थ्रू डाउनवर्ड आ जाता है. डाउनवर्ड में का क्या मतलब है कि यूरिटर में आ जाता है, ब्लैडर में या यूरिथ्रा में, या फिर लोकल स्प्रेड कि यूरिथ्रा खुद ही कॉन्टेमिनेटेड है, तो उस केस में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है. और ब्लड के थ्रू अब मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं, दैट आर स्टाफ ऑरियस. और जो किडनी से आते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस दोनों हो सकते हैं, और लोकल स्प्रेड से भी मोस्ट कॉमनली स्टाफ ऑरियस ही होता है. लेकिन डिफरेंट फंजाई भी लोकल स्प्रेड से यूटीआई कॉज करते हैं, डिफरेंट पैरासाइट्स भी कॉज करते हैं, वो रेयर है लेकिन वो कॉज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पैथोजेनेसिस ऑफ यूटीआई या मेनली रिस्क फैक्टर्स. तो ये किस किस में यूटीआई हो सकता है, हर बंदे में यूटीआई डेवलप नहीं होता. किन में होता है, जिनमें डिक्रीज रेजिस्टेंस हुई हो म्यूकस मेम्ब्रेन की, जैसे मेनोपॉज में, क्योंकि मेनोपॉज में एट्रोफी हो जाती है ना मुकोजा की, जिसकी वजह से मुकोजा एनफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता. जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, इन्वेजन ईजी हो जाएगी और यूटीआई जो है वो फिर ईजिली डिवेलप हो जाएगा. नेक्स्ट है इंटरकोर्स में, ऑब्वियसली अगर जो हमारे पास ड्यूरिंग इंटरकोर्स इतनी स्टेराइल मेजर्स नहीं है, इतनी हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मेंटेन की हुई, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर हो सकते हैं.
नेक्स्ट है हमारे पास अगर यूरिटरल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, यूरेटर लीक कर रहा है या फिर यूरेटर में जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, फिर भी यूटीआई डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर बच्चों में जैसे विसाइको यूरिटरल रिफ्लेक्स है, ये आप लोग सर्जरी में डिटेल में पढ़ोगे, इसमें क्या होता है कि यूरिन ब्लैडर में आ तो जाता है लेकिन ब्लैडर से फिर वापस चला जाता है इनटू द यूरिटर्स, किसी भी वजह से बैक उसका रिफ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से अब जब वो वापस जाएगा तो वो वहां पे स्पेसिस होगी और इन्फेक्शन कॉज करेगा। या फिर अगर किसी को यूटराइन प्रोलैप्स है तो उस कंडीशन में भी, प्रोलैप्स में क्या होता है कि प्रोट्रूजन हो जाती है यूट्रस की, अब वो प्रोट्रूजन जो है वो जो आउट पॉकेटिंग उसको कहेंगे, या प्रोट्रूजन बेसिकली जो है आउटसाइड की तरफ, वो एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के तौर पे एक्ट करेगी, तो वहां से भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। ये यूट्राइन प्रोलैप्स आप बहुत डिटेल में गायनी में पढ़ेंगे, वहां आप पेशेंट्स भी देखेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स के, तो इसलिए अगर अभी नहीं भी समझ आई तो आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है हमारे पास डायबिटीज, तो डायबिटीज में क्यों यूटीआई कॉमन है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंडीशन जो पेशेंट को अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करेगी वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेस, तो कॉजेस प्रेगनेंसी में हो सकता है, मेनोपॉज में हो सकता है, मेनोपॉज में क्यों हो सकता है वो हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रेगनेंसी में क्यों हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा, एक तो डिस्चार्ज हो रहा होता है नॉर्मली बहुत सारी वुमेन को, दूसरा वहां पे कंडीशंस इतनी, जो हमारे पास सर्विक्स है या हमारे पास विजाइना है, इन सब की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो वहां पे फिर इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, और डिस्चार्ज होता है वो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के तौर पे भी एक्ट करता है। या फिर अगर किसी को क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं तो क्या होगा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। सेक्सुअल एक्टिविटी में भी यूटीआई का चांस ज्यादा होता है, हाइजीन अच्छी नहीं है तब भी ज्यादा होगा, अगर बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज कर रहे हैं, जैसे अगर कॉन्डम्स यूज कर रहे हैं या फिर डायफ्राम्स यूज कर रहे हैं, तो वो भी एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में भी यूटीआई का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत खूबसूरत सी डायग्राम में हमें बताया हुआ है कि कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं बेसिलाई दोनों टाइप्स के, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी, कुछ मिसलेनियस स्पीशीज हैं और फंजाए हैं। ग्राम नेगेटिव में हमारे पास आपने ये कैप्स से याद रखना है, ठीक है, के से क्लेब्सियाला, ई से इकोलाई, पी से प्रोटियस एंड सुडोमोनास। ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकाई और एंटेरोकोकाई। मिसलेनियस में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सिट्रोबैक्टर, साल्मोनेला, ये सारे कॉज कर सकते हैं। फंगस में मेनली कैंडिडा अल्बिकेंस होती है जो यूटीआई कॉज करती है। ये आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पता होने चाहिए, ये आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, गायनी में भी पूछते हैं और आपसे मेडिसिन में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स। अब जाहिर है पेशेंट आके हमें ये तो नहीं बताएगा कि डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा मुझे क्या हुआ है कि माइक्रोब इन्वेजन हो गई है और आप मुझे मेडिसिन दें। ऑब्वियसली वो हमारे पास एक डिफरेंट साइन और सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, बार बार यूरिन जो है वो बार बार आता है, ठीक है। अर्जेंसी, अर्जेंसी का क्या मतलब है, अर्ज टू यूरिनेट, मतलब बार बार लगता है कि यूरिन आ रहा है लेकिन आ नहीं रहा, ठीक है। डिस्यूरिया, डिस्यूरिया का क्या मतलब है, पेनफुल यूरिनेशन। इसके अलावा और क्या होता है, पेन, प्रेशर या टेंडरनेस होती है ब्लैडर वाले एरिया पे, सुप्रा प्यूबिक एरिया पे बेसिकली। साथ में यूरिन जो है वो क्लाउडी या फाउल स्ट्रॉन्ग होता है। क्लाउडी क्यों होता है जी, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाती है, तो यूरिन जो है वो क्लाउडी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फीवर भी होता है, ऑब्वियसली जब भी इन्फेक्शन होगा तब फीवर होगा। नॉजिया और वॉमिटिंग भी होती है। नॉक्टूरिया भी होता है कि अब फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है यूरिन की कि बंदा रात को भी उठ उठ के वो यूरिनेट कर रहा होता है, ठीक है। एंड यूरेसिस भी हो जाती है। तो ये वाली सिम्टम्स है। मेनली पेशेंट आके क्या कहता है कि जी मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है और मुझे यूरिन यूरिनेट करते हुए पेन होती है, और साथ में और क्या होता है कि पेन जो है वो सुप्रा प्यूबिक एरिया में भी होती है, साथ में फीवर है। तो ये वाली अगर चीजें पेशेंट बता दे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पेशेंट जो है वो यूटीआई उसको हुआ है, लेकिन अभी आपने हिस्ट्री पे ये सारी बातें पूछी हैं। अच्छा डायग्नोसिस बनाने के लिए हमेशा आपने तीन चीजें जहन में रखनी है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस।
तो हिस्ट्री में हमने ये बातें पूछनी, तो हमें थोड़ा बहुत जो है एक हमारा एक साइड बन गई कि हमने जी इस साइड की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में हमें एरिया टेंडर मिलेगा, अगर प्रोलैप्स वगैरह है तो वो भी हमें मिल जाएगा, जो हमें बताएगा कि जी इसमें कॉज ऑफ यूटीआई ये है। इसके अलावा अगर उसने कोई जो है डायफ्राम वगैरह या कोई यूज किया है तो उसका भी हमें पता चल जाएगा। जो भी फीमेल्स होती हैं बेसिकली उनमें यूटीआई ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें रूट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इजी है, इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड कर सकता है फीमेल्स में। तो जो भी फीमेल्स जो फैंसी अंडरवेयर्स यूज करती हैं या फिर जो परफ्यूम्स यूज करती हैं या लोशंस यूज करती हैं, तो उनमें फिर इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें भी आपने हिस्ट्री में पूछनी है। इसके अलावा लैब में हम क्या कराएंगे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, हम यूरिन एनालिसिस कराएंगे विद माइक्रोस्कोपी, उसमें हम WBC और बैक्टीरिया देखेंगे, कल्चर कराएंगे, और साथ में हम जो है पेशेंट की साइटोमेट्री वगैरह, फ्लो साइटोमेट्री, वो सारी चीजें भी हम करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में चाहिए होती है, नॉर्मली हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिन एनालिसिस, तो यूरिन एनालिसिस में हमने क्या करना है, इसमें हमने देखना होता है कि WBCs कितने हैं, WBC casts कितनी हैं, RBCs कितने हैं, लिकोसाइट्स कितने होंगे और नाइट्राइट्स कितने होंगे। तो ये अगर आप वैल्यूज याद कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर सारी नहीं याद होती तो एटलीस्ट WBCs तो आप लाजमी याद करें कि कितने होंगे, तो हम उसको यूटीआई लेबल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट। तो जिस तरह से हमने टाइप्स पढ़ी थी, ट्रीटमेंट भी बिल्कुल उसी बेसिस पे है कि एसिम्टोमेटिक है तो फिर हम क्या देंगे, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लिकेटेड है तो उस केस में हम किस तरह से मेडिसिन देते हैं, फिर अगर पाइलोनेफ्राइटिस हुआ हुआ है तो फिर हमने क्या करना है, या अगर पाइलोनेफ्राइटिस कॉम्प्लिकेट कर गया है तो फिर हमने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिम्टोमेटिक की, कि एसिम्टोमेटिक में जो है पेशेंट किस तरह से हमारे पास जो हम उसको किस तरह से अप्रोच करें या किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो एसिम्टोमेटिक में हमारे पास क्या होता है कि यूरिन एनालिसिस या कल्चर जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं है यूटीआई के। तो अगर ऐसा कोई भी हमारे पास केस आ जाता है और लेडी और फीमेल आती है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट इफ शी इज प्रेग्नेंट तो हम उसको फिर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो कभी भी सिम्टोमेटिक की तरफ जा सकता है। तो अगर प्रेग्नेंट है तो फिर हमने इसको ट्रीट करना है। ट्रीट किस तरह से करना है जी, हमने उसको एंटीबायोटिक ट्रायल देना है फॉर 3 to 7 days। कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, एमोक्सिसिलिन देंगे या फिर सेफलेक्सिन देंगे। इसके अलावा हम और क्या दे सकते हैं, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल भी दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में याद रखना है कि ये बिफोर 3rd trimester देनी है। ठीक है, ये था हमारे पास एसिम्टोमेटिक। उसके बाद है अगर कोई अनकॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है। अब हमने अनकॉम्प्लिकेटेड में पढ़ा था कि कोई भी हेल्दी पेशेंट अगर डिवेलप कर लेता है यूटीआई तो हम उसको अनकॉम्प्लिकेटेड लेबल करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम ये वाली सारी एंटीबायोटिक्स देंगे, लेकिन कितने में, हम BD में देंगे और 5 days के लिए देंगे। आपको ड्यूरेशन ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, और ये और करके बहुत ज्यादा लिखी हुई है। अब बेशक सारी ना करें, 2-3 कर लें, लेकिन आपने नाम आपने जरूर याद रखने 2-3 के। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड में हम क्या करते हैं कि वो पेशेंट जिनमें कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है, तो उसमें हम ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल यूज करते हैं, सेफ्ट्राजोन भी यूज कर सकते हैं अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो, या फिर अगर अगर कॉम्प्लिकेटेड और एसिम्टोमेटिक है तब भी हम यही थेरेपी यूज करेंगे, अगर पाइलोनेफ्राइटिस है और अनकॉम्प्लिकेटेड है हम तब भी यही थेरेपी यूज करेंगे। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब ये होता है कि अगर जो इन्फेक्शन है वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का है, जैसे यूरिटर्स का, किडनीज का, तो हम उसको पाइलोनेफ्राइटिस कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड पाइलोनेफ्राइटिस है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसमें एडमिट कर लेते हैं, क्योंकि अब पाइलोनेफ्राइटिस मतलब अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है और वो कॉम्प्लिकेट भी कर गया है, तो अब हम पेशेंट को सिर्फ ओरल या IV थेरेपी पे नहीं रखते, हम उसको एडमिट कर लेते हैं, और एडमिट करके हम क्या करते हैं, हम उसको कॉन्टिन्यूसली IV एंटीबायोटिक्स देते हैं।
और उसमें हम सेफ्ट्राइजोन देते हैं या फिर लिवोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, लेकिन लिवोफ्लोक्सासिन प्रेगनेंसी में नहीं देनी। हम जेंटामाइसिन भी दे सकते हैं और ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्सासोल भी दे सकते हैं। तो आपने इसका ट्रीटमेंट इसी तरह से याद करना है, प्रेगनेंसी के हवाले से आप स्पेशल जो है कि ये चीज थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले नहीं देनी, मेनली उसमें एक ही है ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्सासोल, तो ये आपने याद रखनी है। तो अगर एसिम्प्टोमेटिक है और प्रेगनेंट है तो क्या करेंगे, अगर कॉम्प्लिकेटेड है और प्रेगनेंसी है तो फिर क्या करेंगे, अगर जनरली वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है तो क्या करेंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड है तो क्या करेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस है तो क्या करेंगे। तो आपने इसका जो ट्रीटमेंट है ये इसी तरह डिवीजन में करना है, ठीक है। जनरलाइज सा ट्रीटमेंट नहीं लिख देना कि यूटीआई है तो ये एक दो एंटीबायोटिक्स देंगे, आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिखना है। नेक्स्ट ये मैंने स्टेप अप से अटैच कर दिया है कि ये वाला टॉपिक, तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स हैं, सेम वही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो वही डिस्यूरिया है, फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस में ये उन्होंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप यहाँ से भी डायग्नोसिस कर लेते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। थोड़ा लंबा लिखा हुआ है लेकिन ये आपने पूरा करना है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस आप एक दफा रीड कर लें। देन आता है हमारे पास ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपने इसको स्किप नहीं करना। ये जैसे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है आपने एज इट इज ऐसे ही याद करना है, सेम वैसे ही लिखा हुआ है जैसे हमने डिस्कस किया है कि अनकॉम्प्लिकेटेड है तो क्या करेंगे, प्रेगनेंसी है तो क्या करेंगे, अगर मेन में डिवेलप हो गया तो क्या करेंगे, रिकरेंट है तो क्या करेंगे, ठीक है। मेन में जिस तरह अगर डिवेलप हो गया तो हम उसको अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हम उसमें ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम 7 days के लिए उसको दे रहे होते हैं, नॉर्मली हम 3 to 5 days के लिए देते हैं, ज्यादातर 3 days के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैन में डेवलप हो गया तो हम 7 days के लिए देते हैं और हम साथ में उसका थोड़ा बहुत वर्कअप करा लेते हैं, कैथेटराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। तो ये था हमारे पास यूटीआई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।